हेलो फ्रेंड्स, वाई टी यानी कटिंग एंड स्टिचिंग चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज आपको मैं बताऊंगी कि नायरा स्टाइल कुर्ती की कटिंग कैसे की जाती है, जो आजकल बहुत ही ट्रेंड में हमारे बाज़ार में चली हुई है। तो उसके लिए देखिए, आइए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। ये मेरा 5 मीटर नहीं है, लेकिन ये मैच में है, तो ये हमारा कपड़ा है, जो हमारा फैब्रिक है वो, और इसमें से हम अपनी नायरा कुर्ती बनाएंगे। ठीक है, ये एक 14 साल की बच्ची है, उसके हिसाब से बनाऊंगी मैं। ठीक है, तो मैं इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेती हूँ एक बार अच्छे से। ये देखिए, ये इसके ऊपर एक फूल है। ठीक है, और हम यहाँ से नीचे से इसकी लंबाई देखेंगे और हम अब ऊपर तक लेके जाएंगे, उसके हिसाब से हम ऊपर से इसकी चोली को कट करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने यहाँ 40 इंच की तैयार रखनी है इस कुर्ती को, तो मैं एक बार यहाँ 40.5 के ऊपर एक निशान लगा लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से 12 इंच के ऊपर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर भी मैं 12 इंच पे निशान लगाऊंगी और इस कपड़े को अलग कर लूँगी मैं। इस तरह से ये देखिए, ये मैंने 12 इंच का एक कपड़ा कट कर लिया है उस फैब्रिक में से। अब मैं यहाँ कंधे का निशान लगाऊंगी 6 इंच के ऊपर, मैं यहाँ एक निशान लगाऊंगी और 6 इंच पर ही मैं यहाँ पर भी एक निशान लगाऊंगी और 6 इंच पर ही मैं यहाँ इस साइड निशान लगाऊंगी। ठीक है, अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे, और ये जो निशान है इस निशान को हम आगे बढ़ा देंगे। आगे बढ़ाने के बाद अब जो हमारी चेस्ट होती है उसको हम देखेंगे, तो ये है 32, 32 का 4th हिस्सा करेंगे हम, चौथा हिस्सा करेंगे तो 8 इंच। ठीक है, और अब यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे, कमर है हमारी 28, तो 28 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो ये आएगा हमारा 7 इंच। और अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे और 1.5 इंच का हम इसमें मार्जिन देंगे, 1.5 इंच यहाँ और 1.5 इंच यहाँ। अब मैं इन दोनों निशानों को भी इस तरह से मिला दूंगी। ये मिलाने के बाद अब यहाँ से हल्की सी हम गोलाई देंगे। गोलाई देने के बाद ये देखिए, हम यहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और ये यहाँ 5 इंच पे। ठीक है, जो आगे का गला है वो मैं 5 इंच का बनाऊंगी, 5 इंच से थोड़ा कम भी छोड़ सकती हूँ, और क्योंकि मुझे छोटा ही गला चाहिए है। इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद इसकी भी हम थोड़ा सी गोलाई देंगे, क्योंकि ये मैं गोल गला बनाऊंगी। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर देती हूँ। ये मैंने आगे और पीछे का दोनों पार्ट्स एक साथ नहीं निकाले हैं, क्योंकि हमारा पीछे का पार्ट मैं अलग निकालूंगी और ये आगे का पार्ट अलग है। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं सेकंड पार्ट, ये हमारा बैक पार्ट है। बैक पार्ट के ऊपर मैंने फर्स्ट पार्ट को ऐसे ही इसके ऊपर रख लिया है, और रखने के बाद मैं इसकी भी इसी तरह से कटिंग कर दूंगी, सेम ऐसे ही जैसे हमने आगे के पार्ट की कटिंग की है। तो ये हमारा बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा आगे का पार्ट है, ये हमारा बैक पार्ट। ठीक है, तो जो हमने आगे का पार्ट की गले के ऊपर हमने जो निशान लगाया था, अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे इस तरह से। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद हम आगे से आगे के पार्ट में इसमें थोड़ी ही गोलाई देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने यहाँ इस पर गोलाई दे दी है। ठीक है,
और ऐसे ही हम जो हमारा बैक पार्ट है इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ इसी तरह। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब आगे देखिए, ये हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसके हम नीचे इसमें गुलजटे लगाएंगे, चुंगट्टे डालेंगे। तो ये जो हमारा फैब्रिक है ये 29.5 इंच है इसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई है 15 इंच। ये मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है। डबल फोल्ड करने के बाद ये देखिए, ये देखिए, ये भी हमारा जितना आगे का पार्ट की लंबाई थी उतनी ही हमें बैक पार्ट की लंबाई रखनी है। और इसकी लंबाई रखने के बाद ये देखिए, हमारा जो फ्रंट पार्ट था उसी की तरह हम इसमें भी ऐसे छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे। ये मैं आपको सिलाई करके दिखाऊंगी कि कैसे डाली जाती है। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसके बाद ये देखिए, ये मैं इसमें से हाफ बाजू कट करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने कपड़ा लिया है बाजू के लिए, इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, मैं यहाँ से 3.5 इंच के तैयार रखूँगी बाजू। तो ये मैंने 5 इंच कपड़ा ले लिया है एक्स्ट्रा, 5 इंच 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, 1/2 इंच ऊपर और 1 साइड हम नीचे से फोल्ड कर देंगे। और ऊपर से देखिए, मैं ये 9 इंच के ऊपर निशान यहाँ लगा रही हूँ, और इसकी मोरी है हमारी 6 इंच, तो मैं ये यहाँ पर 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ, 1 इंच एक्स्ट्रा, ठीक है। और ऊपर से यहाँ हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और देखिए इस तरह से हम इस ये देखिए इस तरह से अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। और नीचे जहाँ हमने निशान लगाया था उस निशान के ऊपर से, और बाद में देखिए जो हमारे आर्म होल की लंबाई है वो हमारी आएगी 7.5 इंच, और ये है हमारी यहाँ से 6 इंच। तो बाद में जो मैं सिलाई लगाऊंगी वो इनके ऊपर इस तरह से आएगी, ठीक है। और इसी तरह अब हम अपने दूसरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे उसी कपड़े के ऊपर रख के। ये हमारी सिलाई, ये हमारी कटाई जो कटाई कटिंग थी वो पूरी हो चुकी है। चलिए अब मैं आपको इसकी सिलाई करके दिखाती हूँ कि कैसे सिला जाता है इसको। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करेंगे, आइए उसके लिए देखते हैं। ये देखिए, हमने इसकी कटिंग तो कर चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कंधे जोड़ेंगे। ये हमने इसके कंधे जोड़ लिए हैं। कंधे जोड़ने के बाद ये हम उरे पट्टी लेंगे। उरे पट्टी से हम अपने गले को बनाएंगे, देखिए इस तरह से। और जो उरे पट्टी है ये हम इसके चारों तरफ से इस तरह से लगाएंगे घुमा के। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमारा उल्टा हिस्सा है, उल्टे हिस्से के ऊपर रख के हम इसको लगाएंगे। ये देखिए, हम इस तरह से लगाएंगे पट्टी सीधे हिस्से के ऊपर रख के इसके चारों तरफ से। अब ये देखिए, जहाँ से हमने इस उरे पट्टी को शुरू किया था वहीं पर हम इसको ख़त्म कर देंगे। थोड़ी हिस्से एक्स्ट्रा ज़्यादा रखेंगे
और जो हमारी ये वाली पट्टी थी इसको हम इसके अंदर इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से जो हमारा गला ये अच्छे से सेट हो जाए, इसके लिए हम इसके चारों तरफ से छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब ये देखिए जो हमने यूरे पट्टी लगाई थी इसको बाहर की साइड इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर से हम एक एक सिलाई भी लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से जो हमारा एक कपड़ा था इसको हम बाहर की साइड करते जाएंगे और इसके ऊपर से हम ये सिलाई लगाएंगे। इस तरह से मैं इसके चारों तरफ सिलाई अब मैंने इसके तरफ से सिलाई लगा ली है। अभी देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारा गला बन चुका है। अब इससे आगे हम अपनी फिटिंग्स का निशान लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। ये निशान लगाने के बाद अब जो हमारा पीछे का हिस्सा है उसके ऊपर भी हम इस तरह से यहाँ नीचे वाला ये निशान लगा देंगे ताकि हम प्लेट्स डालें तब हमें पता चले कि यहाँ तक हमें प्लेट्स डालनी है, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये देखिए जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ हम प्लेट्स डालेंगे वहाँ पर हम एक मोटी सिलाई लगा लेते हैं। अब ये देखिए हम इस धागे को थोड़ा पकड़ के इस तरह से खींच लेंगे और हमारी यहाँ बिल्कुल बारीक बारीक सी प्लेट्स लग जाएंगे अपने आप। इस तरह से हम इस धागे को खींचेंगे तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए जब हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके ऊपर हम अपना ये पार्ट्स रखेंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हम प्लेट्स जितना हमारा नीचे का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी चौड़ाई है उतनी ही हमें इसके अंदर थोड़ी थोड़ी करके प्लेट्स डालनी है। उसी कपड़े के हिसाब से हमें अपनी प्लेट्स लगानी है, ठीक है। तो बिल्कुल हल्के हल्की सी हमें ये प्लेट्स इसमें लगा ली हैं और ये अब मैं यहाँ इसके ऊपर से सिलाई लगाऊँगी। देखिए जो हमारा फर्स्ट पार्ट था हमने वहाँ प्लेट्स डाल ली हैं, अब ऐसे ही हम सेकंड पार्ट में डालेंगे। ये देखिए जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में प्लेट्स डाली थी वैसे ही हम यहाँ 1.5 इंच तक सीधी सिलाई लगाएंगे। उसके बाद में हम अपनी इन प्लेट्स को धीरे धीरे ऐसे सेट करते हुए बैक पार्ट पर भी हम लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमने दोनों साइड से प्लेट्स डाल ली हैं। प्लेट डालने के बाद ये जो हमारा नीचे का कपड़ा है इसको हम इस तरह से ऊपर की साइड करेंगे और यहाँ बाहर की साइड से हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे और हम नीचे से भी इस कपड़े को देखते रहेंगे। इस कपड़े को हमें ऊपर ही रखना है और इसके ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने ये वाली सिलाई लगाई है वैसे ही अब हम दूसरे पार्ट पर भी सिलाई लगाएंगे। ये मैंने दोनों पार्ट के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम अपनी कुर्ती को उल्टा कर लेंगे। ये देखिए हमने इस कुर्ती को उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारे चाक होते हैं वो उनका हम निशान लगाएंगे। तो ये देखिए यहाँ जो हमारा ये जॉइंट है यहाँ से हम 2 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं, 2.5 इंच भी। अगर आप जितना नीचा इस चौक को करना चाहें उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यहीं पर ख़त्म करना चाहते हैं तो यहीं पर भी ठीक है, या फिर आप 2 इंच 3 इंच जितना आप चाहें वहाँ तक आप अपने चौक बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इसमें अपने चाक बनाऊँगी 3.5 इंच तक, ठीक है। और इस साइड में यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। और जो हमने ये फिटिंग वाला निशान लगाया था यहाँ से मैं इस निशान को इससे मिला देती हूँ। इसी तरह हम दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं। ये देखिए ये मैंने दूसरी साइड भी निशान लगा लिए हैं और अब मैं इनके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। देखिए हम यहाँ से इन दोनों को दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए यहाँ से यहाँ चौक तक यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद मैं इसको यहाँ से एक बार वापस घुमा के एक सिलाई और लगा देती हूँ ताकि यहाँ से हमारा खुले नहीं। इसी तरह अब मैं दूसरी तरफ भी ये वाली सिलाई लगा
ये हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद ये देखिए, अब ये देखिए जो हमारा नीचे का घेरा होता है वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक मोड़ते हुए इसके ऊपर से मैं सिलाई लगा लेती हूँ। जैसे हमने आगे के पार्ट पे सिलाई लगाई थी वैसे ही हम इसको भी मोड़ के इसके ऊपर भी सिलाई, ये मैंने दोनों पार्ट्स के ऊपर नीचे से सिलाई लगा ली है। अब इससे आगे अब जो हमारा साइड में कपड़ा है यहाँ चौक तक, हम अब इसको फोल्ड करेंगे इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे इस तरह, ठीक है। ये देखिए अब हम इस किनारे के ऊपर यहाँ सिलाई रखेंगे और यहाँ इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे सबसे पहले। इस तरह से, और अब हम इसी साइड इस कपड़े को इस तरह से मोड़ते जाएंगे और इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। ये मैंने इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है, अब मैं इसकी बाजू लगाऊँ। ये देखिए अब मैं दोनों बाजुओं को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये इन बाजू को फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद इनके ऊपर निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इनकी सिलाई लगाएंगे और हम बाजू को अटैच। ये देखिए अभी हमारी कुर्ती का उल्टा हिस्सा है और बाजू हमारी सीधी है, तो ये हमने कुर्ती सिलने के बाद हम इसमें बाजू अटैच कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें पहले भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने दोनों बाजू लगा दी हैं। ये देखिए ये हमारी कुर्ती बन के तैयार हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा लुक आया है हमारा। और मैंने ये आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताई है, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी ही बड़ी हो गई है, और क्योंकि मैंने आपको एक एक बात अच्छे से बताई है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बनाने में। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।